गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, सिरसिल हिंदी हाई स्कूल के होम लर्निंग प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। मैं वंजारा आशा। आज हम कक्षा 9 का काव्य केदारनाथ अग्रवाल का चंद्र कैना से लौटती बेर पढ़ेंगे। कवि का परिचय, केदारनाथ अग्रवाल। केदारनाथ अग्रवाल का जन्म उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के कामासिन गाँव में सन 1911 में हुआ। उनकी शिक्षा इलाहाबाद और आगरा विश्वविद्यालय से हुई। केदारनाथ अग्रवाल पेशे से वकील रहे हैं। उनका तात्कालिक साहित्य आंदोलन से गहरा जुड़ाव रहा है। सन 2000 में उनका देहांत हो गया। नींद के बादल, युग की गंगा, फूल नहीं रंग बोलते हैं, आग का आईना, पंख और पतवार, हे मेरी तुम, मार प्यार की थापे और कहे केदार खरी खरी उनकी प्रमुख काव्य कृतियां हैं। उन्होंने सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार और साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। केदारनाथ अग्रवाल प्रगतिवादी धारा के प्रमुख कवि माने जाते हैं। जन सामान्य का संघर्ष और प्राकृतिक सौंदर्य की कविताओं में प्रमुख प्रतिपाद हैं। उनके यहाँ प्रकृति का व्यतिवाद रूप से व्यक्त हुआ है, जिसमें शब्दों का सौंदर्य है, ध्वनियों की धारा है और स्थापित कला है। संगीतात्मक और उनके काव्यों की एक अत्यंत विशेषता है। बुलंदखंडी समाज का दैनिक जीवन के रूप में खुलेपन और उमंग के साथ उनका काव्य में अभिव्यक्त हुआ है। केदार कविता की भाषा को लोक भाषा के निकट लाते हैं और ग्रामीण जीवन से जुड़ी प्रतिभाओं का आत्मीयता के साथ प्रस्तुत करते हैं। प्रस्तुत कविता में कवि का प्रकृति के प्रति गहन अनुराग व्यक्त हुआ है। वह चंद्र कैना नामक स्थान से लौट रहे हैं और लौटते हुए उसके किसान मन और खेत खलिहान एवं उनका प्राकृतिक परिवेश सेज आकर्षित कर लेता है। इस कविता में कवि की उस सजात्मक कल्पना की अभिव्यक्ति है जो साधारण चीज़ों में भी असाधारण सौंदर्य दिखती हैं। उस सौंदर्य को शहरी विकास की तीव्र गति के बीच भी उनकी संवेदना में सुरक्षित रखना चाहती हैं। यह प्रकृति और संस्कृति की एकता व्यक्त होती हैं। अब हम आगे काव्य का पठन करेंगे। अब हम काव्य का पठन देखेंगे तो चंद्र गहना से लौटती बेर। देख आया चंद्र गहना, देखता हूँ दृश्य अब मैं, मेड़ पर इस खेत की बैठा अकेला। कवि एक गांव से लौट रहे हैं जिसका नाम चंद्र गहना। लौटते समय कवि एक खेत की मेड़ पर अकेले बैठकर गांव के सौंदर्य को निहार रहे हैं। आगे की पंक्तियों में ज़्यादातर पौधों की तुलना अलग अलग वेशभूषा वाले आदमियों से की गई है। एक बीते के बराबर ये हरा ठिंगना चना, बांधे मुरूठा शीश पर छोटे गुलाबी फूल का, सहज कर खड़ा है। यह बीते के बराबर का अर्थ है छोटा सा एक बालिश जो एक वैश्य हाथ के अंगूठे की छोटी उंगली तक की लंबाई का एक नाप लगभग 22.5 सेमी है। और ठिंगने का अर्थ है नाटा या छोटा, और मुरेठे का अर्थ है पगड़ी। चने का पौधा ऐसा लग रहा है जैसे एक ठिंगना सा आदमी अपने सिर पर छोटे से गुलाबी फूल की पगड़ी बांधकर सेज दजकर खड़ा है। पास ही मिलकर उंगी है, बीच में असली हटेली, देह की पतली कमर की है लचीली, नील फूल को सिर पर चढ़ा कर कह रही है जो छू ये दू हृदय का दान उसको। यहाँ हटेली का अर्थ है जिद्दी। अक्सर चने के खेत में ही तीसी या असली के बीज भी बो दिए जाते हैं। असली ऐसे लग रही हैं जैसे चने की बगल में हटकर खड़ी हो गई हो। अपनी कामिनी काया और लचीली कमर के साथ उसने बालों में नीले फूल लगा रखे हैं, जैसे यह कह रही हो कि जो भी उस फूल को छुएगा उसे ही उसका दिल मिलेगा। और सरसों की न पूछो हो गई सबसे सयानी, हाथ पीले कर लिए ब्याह मंडप में पधारी, फाग गाता मास फागुन आ गया आज, जैसे देखता हूँ मैं स्वयंवर हो रहा है, प्रकृति का अनुराग अंचल हिल रहा है। इस विसर्जन में दूर व्यापिक नगर में प्रेम की प्रिय भूमि उपजाऊ अधिक है। यहाँ फाग का अर्थ है
होली के आसपास गाया जाने वाला लोकगीत। सरसों तो लगता है सबसे बड़ी हो गई है। वह इतनी बड़ी हो गई है कि उसने अपने हाथ पीले करवा लिए हैं और ब्याह मंडप में बैठ गई हैं। ऐसा लग रहा है कि होली के गीत गाता हुआ फागुन का महीना भी उस ब्याह में शामिल हो रहा है। इस सोमवार में प्रकृतिक अपने प्यार का आंचल हिला रही है। हालांकि ये निर्जन भूमि है, लेकिन लोगों की भीड़ भाड़ वाले शहर से कहीं ज़्यादा प्रेम यहाँ देखने को मिल रहा है। और पैरों के तले है एक पोखर पर उड़ रही स्मेल हरियाली। नील तल में जो ऊँगी है घास पूरी ले रही वह लहराया। एक चांदी का बड़ा सा गोल खम्बा आँखों को है चमकाता है। कई पत्थर किनारे पी रहे चुपचाप पानी, प्यास जाने कब बुझेगी। यहाँ पोखर का अर्थ है छोटा तालाब और चमकता का अर्थ है चकाचौंध पैदा करना। सामने एक पोखर है जिसमें छोटी छोटी लहर उठ रही हैं। पोखर की तल चट्टी में जो शैवाल हैं वो भी साथ साथ लहर मार रहे हैं। पोखर के बीच में प्राय लकड़ी को एक मोटा सा खम्बा होता है, कुछ जगह पर इसे जाट कहा जाता है। इसे पोखर में पानी की गहराई का पता चलता है। इसकी तुलना चांदी के एक बड़े से खम्बे से की गई है जिसे आंखें चौंधरिया जाती हैं, जिसके किनारे पेड़ छोटे छोटे पत्थर इस तरह चुपचाप पानी पी रहे हैं जैसे उनकी प्यास कभी नहीं बुझने वाली हो। चुप खड़ा बुगुला डुबाए टांग जल में देखते ही मीन चंचल ध्यान निंद्रा त्यागता है। चट दबाकर चौस में नीचे गले की डालता है। यह चट का अर्थ है तुरंत। बगुला पानी में अपनी टांग डुबाकर चुपचाप खड़ा है और जैसे किसी मछली को देखता है तो उसका ध्यान भंग हो जाता है। वह चट से उसे चौस में दबाकर अपने गले के नीचे उतार लेता है। बच्चों, ये काव्य यहाँ पे अपने अधूरा रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आगे का काव्य पढ़ेंगे। थैंक यू।